भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जोन 17 में HO के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, जनता में आक्रोश। आज जोन क्रमांक 17 पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी और जोन 17 के सब इंजीनियर और इंजीनियर को बर्खास्त करने के लिए मांग की गई और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और नगर निगम कमिश्नर के नाम जोनल अधिकारी को सौंपा गया। मुख्य मांगे, देवकी नगर का 1500 मीटर नाला जो कि बिना काम किए ही भुगतान हो गया और क्षेत्र में पिछले 6 महीने 1 साल भर में जो रोड बने हैं वह पूरे उखड़ चुके हैं। एक ही बारिश में इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। कमिश्नर से निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त करें। जोन में स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही भी उजागर हुई है। आधे कर्मचारी से भी कम काम पर आते हैं और बाकी सिर्फ कागजों पर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री कमरुद्दीन दाऊदी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जब जोन क्रमांक 17 के स्वास्थ्य अधिकारी से उनका मत जानना चाहा तो उन्होंने अपना फोन यह कहते हुए काट दिया कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हीं से बात कीजिए। कि आप विरोध जताने आई हैं, नाले आई हैं, पानी भर गया पूरा घर के आगे पानी भरा रहा। किस चीज को आप विरोध प्रदर्शन करने हैं? गंदगी बहुत है, साफ कीड़े निकल रहे, बच्चों का आना जाना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत गंदगी है, कचरा अगर झाड़ने भी जाते हैं एक आध 3-4 महीने में तो वही लगा के आ जाते, उसे फेंकते भी नहीं। अभी इतने बड़े हमने कहा और अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब यह नाला क्यों नहीं बना रहे, कह रहा साहब वो बना देंगे, लेकिन आज तक नाला नहीं बना। और ये प्रतीत होता है कि बात समाचार में सही आई है कि वो लोग नाला खा गए हैं। इसी तरह से कहीं रोड बनाए, नाली बनाई है, रोड बनाया है, पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे रोड बनाया है, वो 6 महीने हुए, मात्र 6 महीने में पूरा रोड उखड़ गया। तो इतना भ्रष्टाचार इस जोन में हो रहा है और स्वास्थ्य अधिकारी हमारे क्षेत्र के अंदर हर 5 वार्ड है हमारे स्वास्थ्य जोन 17 में 5 वार्ड है, उसमें से आधे कर्मचारी भी काम पर नहीं आते हैं। ये एक भ्रष्टाचार है। लोग जनता सफाई के लिए परेशान है, नालियाँ नहीं है, नाली है बनी है जहाँ पर, वहाँ पर सफाई नहीं है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन रखा है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हम लोग हर 15 दिन में 20 दिन में धरना करेंगे। 17 में जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका जो भेदभावपूर्ण रवैया है, खासतौर से माइनॉरिटीज जहां निवास करती है, अल्पसंख्यक मतदाता जहां निवास करते हैं वहां पर उनका भेदभावपूर्ण रवैयों को लेकर और आम जन की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में इससे और बड़े धरने प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाएंगे और लगातार जब तक ये कार्रवाई इन अधिकारियों के विरुद्ध नहीं की जाएगी लगातार ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।